यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इस वक्त बड़ी खबर सोनीपत से है, जहां पर शहर के दो स्थानों पर इनकम टैक्स विभाग की रेड जारी है। ये बड़ी खबर सोनीपत से, जहां पर शहर के दो स्थानों पर इनकम टैक्स विभाग ने रेड की है और साथ ही जय भारत सरगिया के मालिक के घर पर रेड की गई है। तो वहीं इसके साथ ही जैनसंस ज्वेलर्स के ऑफिस पर भी रेड जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुबह से ही ये छापेमार कार्रवाई जारी है और इसके साथ ही छापेमार टीम ने मीडिया से दूरी भी इस दौरान बनाकर रखी है। तो इनकम टैक्स की रेड जो है वो शहर के दो स्थानों पर जारी है और यहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें खबरें अभी तक आपको दिखा रहा है इस रेड के दौरान की। दो स्थानों पर रेड जो है वो इनकम टैक्स की टीम की ओर से किया जा रहा है, साथ ही छापेमारी करने वाली टीम ने मीडिया से दूरी भी यहां बनाकर रखी है। जय भारत सरिया के मालिक के घर पर एक और जहां रेड जारी है, तो वहीं पर जैनसंस ज्वेलर्स के ऑफिस पर भी रेड जारी है। और ज्यादा जानकारी लेंगे कुलदीप सिंह, हमारे संवाददाता सोनीपत से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलदीप, इनकम टैक्स की ओर से दो स्थानों पर जो है छापेमारी जारी है, जय भारत सरिया और साथ ही जैनसंस ज्वेलर्स की यहां पर छापेमारी जारी है, क्या कुछ अभी तक हाथ लगा है? अभी तक जांच जारी है और छापेमारी की जांच जारी है। अभी तक उनका रेड में आई हुई टीम का बताया है कि अभी तक उन्होंने कुछ नहीं मिला है और जो कुछ बताएंगे वो अपने हेड ऑफिस बताएंगे। मीडिया के सामने कुछ ही बोलने से इनकार कर दिया है। मीडिया से दूरी बनाकर रखी है। करीब कितनी देर हो गई है कुलदीप, कब से जो है छापेमार करने के लिए इनकम टैक्स की टीम जो है इन स्थानों पर पहुंची थी? करीबन सुबह 6 बजे से ही छापेमारी जारी है। जितने भी इनके ग्रुप हैं, जितने इनकी संस्थान है, फैक्ट्रियां हैं, सभी में एक साथ सुबह से ही ये छापेमारी जारी है। इसके साथ ही कुलदीप, जैसे जय भारत सरिया के मालिक के घर पर रेड है, तो क्या और भी स्थानों पर रेड जो है वो हो सकती है? इनके दूसरे ऑफिस या दफ्तरों पर भी रेड हो सकती है? चलिए, संपर्क टूट गया है। तो आपको बता दें कि सुबह से ही ये रेड जारी है इनकम टैक्स विभाग की ओर से शहर के दो स्थानों पर। जय भारत सरिया के मालिक के घर पर रेड जारी है, तो वहीं पर जैनसंस ज्वेलर्स के ऑफिस पर भी रेड जारी है।